क्योंकि बाल हमारी आ, जो शख्सियत है उसकी खूबसूरती होते हैं खासतौर पे पर फीमेल्स के लिए मेल्स के लिए भी डेफिनेटली लेकिन बालों से आपकी शख्सियत निखरती है संवरती है ख़ूबसूरती में इजाफा होता है आपके बालों का स्टाइल आपके बालों की आ, जो सेहत है आपके बालों की आ, का जो टेक्सचर है वो बहुत डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि आपकी डाइट कैसी है आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप अपने बालों की केयर कितनी अच्छी करते हैं बालों को आप धूप से कितना बचाते हैं बालों के लिए प्रॉपर शैम्पू कौन सा यूज़ कर सकते हैं सो so, टॉपिक हमारा आज का है कि बालों के लिए बेहतरीन शैम्पू कौन सा है कौन सा शैम्पू चूज़ करें मार्केट में तो डेढ़ हज़ार शैम्पू अवेलेबल हैं हमें नहीं समझ आता कभी हमारे बालों को कोई एक शैम्पू सूट कर जाता है कभी हमारे बालों को कोई डिफरेंट शैम्पू चूज आ, सूट कर जाता है So, बालों के लिए कौन सा शैम्पू बेहतरीन है ये जरा फैसला करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाए और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें ओला डॉक डॉक्टर डौक डौक का अपॉइंटमेंट आसानी ऐसी तो बींग हेयर रिस्टोरेशन फिजिशियन डर्माटोलोजिस्ट मैं आपको बताऊंगी आज के आपके बालों के लिए कौन सा शैम्पू बेहतरीन है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बालों की साख्त क्या है आपके स्कैल्प की यानी कि जो बालों के नीचे जल्द होती है उसकी आ, उसका टेक्सचर कैसा है इधर वो ऑयली है ड्राई है या नॉर्मल स्किन है अगर ड्राई है तो शैम्पू डिफ़रेंट चूज़ करेंगे आप ऐसा शैम्पू यूज़ करेंगे जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा ऐसा शैम्पू चूज़ करेंगे जो आपके बालों को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करे और अगर आपके बालों में कोई डैंड्रफ है ड्राइनेस की वजह से तो उसे भी दूर करें नंबर टू अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर अब आप क्या करेंगे ऑयली के लिए आपने ऐसा शैम्पू चूज़ करना है जो आपके बालों से ऑयल भी ख़त्म करे ताकि दाने ना निकलें बालों में ऑयल की वजह से बालों की ग्रोथ ना रुक जाए बिकॉज वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं जो हमारे जहाँ से जड़ें निकलती हैं हेल्दी होती हैं ग्रोथ करती हैं अगर ऑयल वहाँ आ जाएगा आपके बालों में तो डेफिनेटली ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी सो so, ऑयली के लिए हम ऐसा शैम्पू चूज़ करेंगे जो कि आपके बालों को ड्राई रखे, लेकिन उस मकदार में ड्राई रखे, जो कि Uh, बालों में मॉइस्चर भी मौजूद रहे और ओवर ड्राइनेस भी ना हो ओवर ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ भी ना हो सो so, उसके लिए एक डिफरेंट शैम्पू होगा डेफ़िनेटली स्किन नॉर्मल है तो ज़रा इजी हो जाता है डिसीजन आपके लिए लेना कि कोई भी शैम्पू जो मार्केट में अवेलेबल है उठाएँ और उठा के अपने सर में लगाएँ अपने बालों को खूबसूरत बनाएँ बट अगर आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक है आपके बालों में कोई प्रॉब्लम है लाइक डैंड रफ है ग्रोथ नहीं हो रही हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है आपके बालों में ऑयल बहुत आता है बालों में दाने बन जाते हैं तो अब क्या करें उसके लिए अब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे डेफिनेटली डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं अपने हेयर रिस्टोरेशन पोजिशन के पास जाएं उन्हें बताएं कि आपके बालों को क्या मसला है तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें ख़ास तौर पे गौर करना पड़ता है कि बालों के टेक्सचर के लिए बालों की ग्रोथ के लिए बालों की सेहत के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं मेडिकेटेड शैम्पू क्यों चूज़ करेंगे आप अगर आपके डरमाटोलॉजिस्ट ने आपको मशवरा दिया है कि आप मेडिकेटेड शैम्पू चूज़ करें तो वाई मेडिकेटेड शैम्पू वाई नॉट मार्केट में बड़े अच्छे अच्छे शैम्पू अवेलेबल हैं हम उन्हें क्यों ना यूज़ करें उसका रीज़न होता है ऑर्डनरी जितने शैम्पूज़ होते हैं उनके अंदर सिर्फ ऐसे एजेंट्स मौजूद होते हैं जो आपके बालों को प्रॉपर्ली क्लीन करते हैं लेकिन जो मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं उनमें क्या खसूसियत होती है मेडिकेटेड शैम्पू में खसूसियत ये होती है कि वो ना सिर्फ आपके बालों की क्लिनजिंग करते हैं बल्कि आपके बालों की क्लीनिंग करते हैं और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि अगर आपकी स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम है कोई भी इशू आया हुआ है तो वो उस इशू को भी रिजॉल्व करते हैं सो मेडिकेटेड शैम्पू बेटर होता है एज़ कम्पेयर्ड कि आप अपनी मर्जी से प्रॉब्लमेटिक स्कैल्प में प्रॉब्लमेटिक हेयर्स में अपनी मर्जी से मार्केट से डिफरेंट डिफरेंट शैम्पू चेंज करके आप बदल बदल के लेके आए उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप अपने डर्माटोलोजिस्ट को कंसल्ट uh, करें मशवरा लें उनसे कि आपके लिए क्या बेहतर है और कौन सा शैम्पू बेहतर है और किस शैम्पू से आपके बालों को ग्रोथ मिल सकती है आपके बाल खूबसूरत बन सकते हैं जो शैम्पूज़ आपके पास आ, आते हैं लाइक अगर आपके आ, स्किन में डेंडरफ़ है तो आपकी स्किन की डेंड्रफ के लिए भी मेडिकेटेड शैम्पू बेस्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है शायद वो उस तरीके से डेंड्रफ वक्ति तो ख़त्म कर देते हैं बट परमानेंटली उसका ख़ात्मा नहीं होता तो डेंड्रफ वाली जो स्किन है उसके लिए मेडिकेटेड बहुत अच्छे शैम्पू हैं इसीलिए शैम्पू चूज़ करने के लिए आपको अपनी स्कैल्प की स्किन का पता होना चाहिए आपको अपने डर्माटोलोजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए हेयर फॉल का इशू है ग्रोथ नहीं हो रही है आपके बालों की बालों में बहुत ज़्यादा क्लिपर uh, जिन्हें हम कहते हैं डेंडरफ के बाद बन जाते हैं वो हो रहे हैं आपके बालों में ऑयल आता है दाने हो रहे हैं तो इन सब के लिए आप ओलाडॉग डॉट कॉम पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं आप मेरी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अगर आप मेरे पास आ नहीं सकते कहीं दूर से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो कंसल्टेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और वैसे लाहौर में मेरी क्लिनिक्स पर uh, तीन क्लिनिक्स हैं और आप कहीं की भी अपॉइंटमेंट ओलाडोक डॉट काम के थ्रू मुझसे ले सकते हैं थैंक यू वेरी मच